हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वापस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं काफी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बैकअप में कोई मेरे पास वीडियो था नहीं, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं की। लास्ट व्लॉग वो जो लंदन लेओवर वाला था, वो वही था। फिर मेरी फ्लाइट लगी हांगकांग के लिए, तो मैं अभी हांगकांग से क्या बात कर रही हूँ। और खांसी है, इसीलिए थोड़ा गला, पता नहीं ये कैसा वायरल है। 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी खांसी है। एनीवेज, सो आज है मेरा सेकेंड डे। कल यहाँ पे पहुँच चुकी थी, और फिर कल मैंने पूरा दिन शाम तक रेस्ट किया, खाया पिया, और फिर रात में हम निकले थोड़ा नाइट लाइफ देखने के लिए, थोड़ा इन्जॉय करने के लिए। आपने मेरे इंस्टा स्टोरीज पे देखा होगा, और उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही क्या, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं उसे बुरा भी नहीं कह सकती, अच्छा भी नहीं कह सकती, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल जो मुझे मिल रही है चीज़ें, और इतना ट्रैवल करने को मिल रहा है। बट एवरी टाइम, हर बार आप लेओवर पे जाते हो तो हर बार सेम नहीं होता, हर बार अलग एक्सपीरियंस होता। तो ये वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस में से था। वीडियो में बने रहे, क्योंकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कल मुझे कैसा लग रहा था और मैं क्या फील कर रही थी। और बस अभी मैं जाऊंगी रेडी होने, क्योंकि मैंने सुना है हांगकांग में बड़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं, और जहाँ मैं ऐसी सुन लेती हूँ कि सस्ते में अच्छा मिल रहा है, तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करती हूँ। क्योंकि सी, मेरा एक ही रूल है कि अगर आप, मैं ब्रांड्स भी खरीदती हूँ, ठीक है, बट अगर वो सेल में हुए तो। और सस्ते कपड़ों का क्या होता है, बिकॉज हम 3-4 बार पहनेंगे, फोटोज खिंचाएंगे, देन वी डोंट वेयर इट, तो वेस्ट है ना ब्रांडेड, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े खरीदने का। और हाँ, अगर लग्जरी की बात है तो लग्जरी इज नॉट अ बैड थिंग, लग्जरी सबको अच्छी लगती है, और अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं इट्स रियली नाइस। बट फिलहाल आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं थोड़े सस्ते कपड़े भी ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 3-4 ओवर से पहनूंगी, उसके बाद मैं नहीं पहनने वाली हूँ। थोड़ा मैसी सा है, तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि इंस्टा पे तो मैंने दिखाया था। बट ऑफकोर्स मेरी अभी यूट्यूब फैमिली भी है, एंड वी आर 5,000 सब्सक्राइबर्स। वाह, 5,000 की फैमिली हो चुकी है हमारी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने फेब में स्टार्ट किया था, और मुझे लगा था सारे लोग मुझे भूल जाएंगे, कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला। बट ठीक है, काफ़ी अच्छी शुरुआत रही, व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं, कोई लालच नहीं। मैं बड़े मतलब खुद के फन के लिए वीडियो बनाती हूँ, और जो लोग मुझे हमेशा कहते थे दीदी आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ, तो बस मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो फेब 7 से मैंने स्टार्ट किया होगा, शायद फेब 1 या 7, पता नहीं ऐसी कुछ था। और फेब मार्च चला गया 2 महीना, एंड देन दिस 10-11 हो गए आज। एक तो डेट याद नहीं रहती यार, फ्लाइट्स जब से स्टार्ट हुई है ना, दिन का खबर होती है कि कौन सा दिन चल रहा है, कि कौन सा डेट चल रहा है। मैं एनीवेज, चलो रूम टूर करते हैं। थोड़ा सा फैला हुआ है तो जज मत करना, क्योंकि मेरे को आए हुए 1 दिन हो गए हैं। ये मेन डोर है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये कुछ ऐसा। और ये है वॉशरूम, यहाँ मेरा मेकअप फैला पड़ा है, स्किन केयर फैला पड़ा हुआ है। ये रही मैं, और ये रहा रूम। इस चेयर पे मैंने मेरा क्रू बैग रखा हुआ है, वहाँ भी बैग और मेरे शूज़ और सैंडल्स हैं। ये बॉयलर एंड टी कॉफ़ी मेकर, और यहाँ मेरा सामान। और ये मैं ना ब्रेकफास्ट करने गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था कि भूख लगेगी तो खा लूँगी। और क्योंकि और कोई भाषा मुझे समझेगी नहीं, वैसे तो इंग्लिश में ही आ रहा है, सारे बोरिंग है, तो मैंने कार्टून नेटवर्क ही लगा के रखा हुआ है। ये कल रात से ही ऐसे ही चल रहा है, बट और ये रहा विक्टोरिया हार्बर का व्यू। इस जगह को विक्टोरिया हार्बर कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने गूगल मैप्स पे देखा था। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि मोस्टली ना सब आइलैंड टाइप्स के हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, और उसके ऊपर ये पूरा शहर बना हुआ है, इट्स रियली नाइस। और हांगकांग सिटी स्टेट रीजन जो भी आप कह लो, ये चाइना रीजन के अंदर आता है। पहले ये ब्रिटिश रूल के अंदर था, उसके बाद ये चाइना वालों के पास चला गया, ऐसे ही कुछ है। मेरी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर क्लियर दिख रही रहूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक ऐसे स्लैब है और उस पर ग्लास रख के इस फ़ोन को एडजस्ट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, गेट रेडी विथ मी। और हम जा रहे हैं हांगकांग मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस हल्का फुल्का ही मेकअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइज़र से। तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मैं ले आई, तो ये मैं ना बात करते करते आपसे आपको बताऊँगी कि कल क्या हुआ, और क्यों वैसे कह रही हूँ कि
रेस्क्यू, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि ये गुड एक्सपीरियंस था या बैड, और मैं कुछ टाइम शायद स्क्रीन पे ना देखूँ क्योंकि सामने मिरर है तो सामने मैं देखूँ, तो प्लीज़ वो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना. तो क्या हुआ कि कल हमने प्लान किया कि हम जाएंगे सारे क्रू कैप्टन सब मिलके जाएंगे थोड़ा नाइट लाइफ देखेंगे हांगकांग का. और इंडिगो में भी ना जब मैं थी तो आई हैव नेवर सीन, आई मीन मैं कभी पार्टीज करने गई नहीं, और ऐसा नहीं कि मैं पार्टीज नहीं करती, ठीक है, आई मीन जिसके साथ मेरी वाइब्स मैच होती है या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ मैं जाती हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि बहुत जाती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो कि मैं इतनी पार्टी पर्सन नहीं हूँ. मतलब आई कैन डांस लाइक अ क्रेजी और मैं इन्जॉय कर सकती हूँ, वाइब कर सकती हूँ, पर मैं पार्टी पार्टी मतलब स्पेशली रेडी होकर मैं जाऊँ मैं ये बहुत बार नहीं करती, ठीक है. और जो करते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी वाइब्स मैच होना बहुत जरूरी है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. तो कल क्या हुआ, हम सारे क्रू गए और मैं भी गई और रेडी होकर, और उसके बाद ना पता नहीं एक तो ना उनके यहाँ पे लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो दे ईट एवरीथिंग, यू गाइस नो, ठीक है, ये लोग ये सब सारा कुछ खाते हैं, तो खाने की जो स्मेल आ रही थी वो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि वो फेमिलियर नहीं थी मेरे लिए और नया था, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है, चलो. पॉइंट वन. पॉइंट टू, मुझे बहुत ही कैसे बताओ यार, मतलब ऐसे आप लोग ऐसे मत समझना कि मैं जज कर रही हूँ या कुछ, बहुत ही लेकिन अजीब ही फीलिंग आ रही थी, जैसे कि आई डोंट बिलोंग देयर, मतलब मैं वहाँ पे बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बस आ गई हूँ. आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि आप बस चले गए कि हाँ चलो देखते हैं कैसा है क्या है, बट देन यू जस्ट फील लाइक कि हम क्यों आ गए यार, मैं कहाँ फंस गई, क्यों आ गई, ऐसी फील हो रहा था मुझे. आए लिटरली मतलब सब ऐसे डांस कर रहे हैं, अंधेरा है, एंड देन इट वॉज लाइक अ लाउंज कि यू कैन ड्रिंक ईट जो बैठो, और ऐसे डांस फ्लोर था, एवरीबॉडी वॉज डांसिंग, और मैं एक कोने में बस बैठी हूँ, और मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मुझे होटल जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, पता नहीं बहुत ही अजीब वाइब्स थी, और मुझे ऐसे लग रहा था मैं क्यों आ गई, और ऐसे ही फील हो रहा था बहुत ज़्यादा कि नहीं बिलोंग करती मैं, ठीक है, वन टाइम एक्सपीरियंस होता है, और अब मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि ठीक है चलो, अब ऐसी चीज़ें तुझे फील होती है ट्विंकल, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्लान समथिंग जस्ट डोंट से येस, क्योंकि सारे जा रहे हैं तो तू भी हाँ मत बोल, और ये मेरे लिए सीख थी. बट जो कल मुझे फील हुआ है, हम लोग कुछ निकले 7:38 हम निकले थे यहाँ के टाइम जोन के हिसाब से, और वापस आते आते एवरीबॉडी वाज लाइक, मतलब मैं तो 11 बजे से स्टार्ट हुई थी कि होटल चले, अब ज़्यादा भी नहीं बोल सकती वरना कहेंगे कि यार क्या पार्टी स्पॉइलर है किसको ले आए, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी बिकॉज मैं फंस गई थी, मेरे पास नहीं, और यहाँ पे लोग ज़्यादा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पे कैश एक्सेप्ट करते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं, तो वो एक मुसीबत आ गई थी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था और कार्ड था, और आसपास ATM नहीं मिल रहा था, तो मैं अकेले भी आ नहीं सकती थी, वरना मैं अकेले आ जाती, नो बिग डील. फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे रुकना ही पड़ा सबके साथ आने के लिए, 11 बजे से जो मैंने स्टार्ट किया है, ये सारे हाँ बोलते बोलते सब लोग, मतलब मैं खींच के ला रही हूँ, फिर ये लोग वापस डांस करने चले जा रहे हैं, तो नॉट देयर फॉल्ट यार, उनको अच्छा लग रहा था तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे, बट आई वॉज इन फीलिंग अ वेरी बेस्ट ऑफ मी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत होल्ड बैक कर रही हूँ खुद को, और जिसको बोर हो रहा होगा प्लीज़ इसको स्किप कर दो या फिर फॉरवर्ड कर करके देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा शायद, क्योंकि मैं रेडी भी हो रही हूँ और बात भी कर रही हूँ, तो ओके. तो ये मोस्टली जो है जैसे आप व्लॉग्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, जो भी मैं अब तक ट्रैवल व्लॉग्स बना रही हूँ, ये वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा ये चिट चैट है, और थोड़ा सा अभी मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं आपको वो दिखा दूँगी, बट हाँ मुझे ये बताना था कि हर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, हर बार यू विल नॉट सी मी एंजॉइंग माय लेवर, और हर बार सेम सेट ऑफ क्रू नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही सेट ऑफ क्रू बहुत बहुत अच्छा है ये वाला क्रू भी, सारे मतलब न्यू रिक्रूट्स ही है, पर वाइब्स नहीं मैच हो रही थी उस टाइम के लिए, वाइब्स मैच नहीं हो रही थी. फ्लाइट पर तो बहुत अच्छे से हमने काम किया, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था, इवन नाउ मार्केट जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट और ऐसे हो गया था, मैं अपने क्लोज फ्रेंड से बात भी कर रही थी कल जब मैं थी वहाँ पे अकेले बैठी हुई थी, तो आई वॉज टेलिंग कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, तो लकीली वाईफाई था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो एटलीस्ट मैं किसी से बात तो कर सकती हूँ, और अब याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से ऐसे किसी को भी, मतलब किसी को भी कह रही हूँ, मतलब ऐसे ही हाँ नहीं बोलूँगी मैं, और बस यही था एक्सपीरियंस कि नहीं जम रहा था, नहीं हो रहा था मुझसे, एज इफ मैं मुझे ऐसे फील होता मैं एलियन हूँ, बाकी सब बहुत पार्टी वाले मूड में थे, एवरीबॉडी वाज लाइक डांसिंग, और बहुत अलग वाइब थी जो मैंने कभी नहीं देखी, कभी एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि मैं जाती ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इवेंट्स में हैं और जो जिनका लाउंजेस और पब्स में वो लोग काम करते हैं, और वो लोग मुझे काफ़ी टाइम बुलाते रहते हैं, फर्स्टली तो मेरी मॉम अलाउ नहीं करती, सिंस मैं यहाँ पे हूँ और मैं उनको बोल देती हूँ कि मम्मी सब जा रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूँ, तो उनको चल जाता है, बट स्पेशली मम्मी मुझे कभी अलाउ नहीं करती है कि तुम जाओ, कोई अलाउ नहीं करता, सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट वो तो मुझे भी पता है कि ट्विंकल इज नॉट लाइक अ पार्टी पर्सन, मुझे भजन कीर्तन में बुला लो, मंदिर में बुला लो, मंदिर चला, हाँ विल बी वेरी एक्साइटेड, सूट साथ पहन के यू नो झुमके पहन के मैं चली जाऊंगी मंदिर हो दरगाह हो चर्च हो, आई एम ऑलवेज रेडी, और मुझे मतलब वो स्पिरिचुअल वाइब्स ज़्यादा पसंद आती है, भीड़ भाड़ देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कहीं खो गई हूँ भीड़ में, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है, और मतलब लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग थी कि मतलब मेरी आंखें भर गई थी, वो तो अंधेरा था इसलिए शायद किसी को दिखा नहीं, और मुझे दिखाना भी नहीं था, वरना बोलेंगे क्या बच्ची को ले आए हम, तो बस यही था, और अभी मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, ठीक है, फटाफट रेडी होते हैं, आप लोगों को भी बोर नहीं होगा मेरी बकबक बकबक सुन सुन के, तो वॉइस ओवर करते हैं उसके बाद निकलते हैं. सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र और कंसील लगाने के बाद मैंने लगाया अपना फेस शॉप का ब्लश, ये एक लिक्विड ब्लश है और वाटर फॉर्मुलेशन है इसका, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्लश है, मैं हमेशा इसे यूज़ करती रहती हूँ. एंड उसके बाद मैंने अपने अंडर आइज़ और बेसिकली पूरा फेस सेट किया के ब्यूटी के लूज पाउडर से, ये पाउडर भी बहुत अच्छा है, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है. फिर हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई,
जैसे आप सबको पता है मैं पहले न्यूड शेड लगाती हूँ और उसके बाद डार्क शेड, उसके ये रही देखो वो डार्क शेड जो मैं लगा रही हूँ। और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। और जब निकलूँगी तो आपको बताती जाऊँगी, आप देखते रहना। मुझे पता है स्टार्टिंग का थोड़ा कुछ टाइम जो था चिट चैट के टाइम पे काफ़ी लंबा हो गया होगा, पर हर वीडियो में अभी नहीं होता तो, लेकिन ये बातें थी जो मुझे बताना था, मुझे निकालना था अपने अंदर से, इसलिए मैंने इतनी बातें की। और बस इतना ही है कि सी जो हमेशा जो दिखता है कि हाँ मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी से लग रहा होगा कि ओह आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, बट स्टोरी कुछ और ही निकली, राइट? तो इसीलिए मुझे ये चीज़ बतानी थी कि हमेशा ऐसा नहीं होता। इट्स काफ़ी ग्लैमर जैसा दिखता है कि यार क्या जॉब प्रोफाइल है, यू वेड विजिट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्लेसेस एंड, पर हर बार सेम नहीं होता। काफ़ी चीज़ें हैं वैसे प्रोज एंड कॉन्स, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और बातें कम करते हैं और आपको घुमाते हैं हांगकांग। तो मेरे क्रू फ्रेंड्स आ चुके हैं, आई मीन क्रू कलीग्स आ चुके हैं, और हम जा रहे हैं नीचे मार्केट, तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी, ठीक है? और होपफुली अगर वो लोग कंफर्टेबल हुए तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। रेडी है, ये रही साक्षी, से हाय साक्षी। हाय, हेलो। और ये रही सिमरन, हॉटल। और हम जा रहे हैं तो मैं आपको रास्ते पर बताती जाऊंगी हम कैसे गए और कहां कहां गए और हमने क्या क्या खरीदा। लोगों की भाषा नहीं समझ आ रही, एंड सेकेंडली यहाँ पे लोग जो खाना खाते हैं और जो मीट की शॉप्स आती है वो स्मेल हमसे सहन नहीं हो रही है, इसलिए हमने ऐसे मास्क वास्क से कवर कर लिया है। तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। स्टेशन का नाम है एडमिरालिटी, कुछ तो नाम है, हम वहाँ पे पहुँच गए और बस चलते जा रहे हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि स्ट्रेट वॉक करते जाओ तो मार्केट दिख जाएगा, तो बस अरे सॉरी वहाँ से एडमिरालिटी से तो हमने चेंज किया, नहीं नहीं चलेगा,
एडमिरालिटी से तो हमने चेंज किया, अब ये कुछ मॉन्ग कॉन्ग करके कुछ तो स्टेशन है और यहाँ से हम शॉपिंग के लिए। कलीग नीचे गई है मैकडी में कुछ खाने के लिए लेने, मैंने ये स्ट्रीट पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ दी है जो मैं पोस्ट करूँगी, और एक फ्रेंड गई है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी आए और हम शॉपिंग कंटिन्यू करें। वेदर काफ़ी ग्लूमी है, थोड़ा डार्क डार्क सा लग रहा है, बट इट्स फाइन, लेट्स सी। ब्रांड्स ही ट्राई कर रहे थे क्योंकि मेबलिन और रेवलॉन ये सारी चीज़ें तो हमें इंडिया में भी मिल जाती है, तो मैं ये क्लेंजर देख रही हूँ, बट लेट्स सी क्या लेती हूँ क्या नहीं। तो हमने शॉप्स एक्सप्लोर कर ली, बट शॉप्स काफ़ी महंगे हैं, तो अभी स्ट्रीट शॉपिंग प्रॉपर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम, और फिर मैं बताती हूँ कि वहाँ पे कुछ सस्ता मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ना कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखा और अभी परफ्यूम ले लिया, वो जो बहुत ही मिनी साइज़ और बहुत ही क्यूट था, जो आई गेस वो हांगकॉन्ग का ही है, एंड वो मुझे इंडियन रुपीज़ में 500 का पड़ गया, और मैं इतनी शॉक हो गई कि यार इतना छोटा सा 500 रुपीज़, और मैंने दो ले लिए, मतलब 1000। सो नाउ लेट्स सी। और वो 80 कह रही थी, 80 मतलब 800 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी, तो हमने उसका 40 करवाया है, तो हम 400 में वो लेने जा रहे हैं। बाहर घूम लो लेकिन सरोजनी का कंपटीशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम कभी से कंपेयर कर रहे हैं कि उधर कितने का मिलेगा और यहाँ कितने का मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी समवॉट थोड़ा सेम ही है, बस थोड़ा सा स्टर्डी है यहाँ पे, और महंगाई लगा रहे हैं, कुछ कम नहीं कर रहे हैं ये लोग, बट थोड़ा और बार्गिन करने के लिए भी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ये लोग।
अपने इंडियन अंकल ही अच्छे होते, भैया भैया बोल दो मान जाते हैं। तो आ नहीं रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें ली है मैंने, क्योंकि अभी पैसे निकाल लिए थे तो मुझे यूटिलाइज़ करना था। नाउ लेट्स सी मैं कुछ खरीद पाती हूँ या नहीं, या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आया स्ट्रीट शॉपिंग में तो आई विल जस्ट बाय फ्रॉम द शॉप। रूम में आई हूँ और हमने थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग की, कुछ इतना खास नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया मुझे जल्दी कुछ पसंद नहीं आता है, इंडिया में फिर भी आ जाता है, बट पता नहीं यहाँ पे मैं जब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल से कुछ खरीदूँ बट वो हो नहीं पा रहा। तो कुछ चीज़ें ली है मैंने, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी। और बस होता है यहाँ पे हांगकांग डेवर का वीडियो एंड, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो थैंक यू फॉर यू नो इन्वेस्टिंग योर टाइम, गिविंग मी योर टाइम, भले ही वो 14 मिनट का वीडियो बन रहा हो, 10 मिनट का बन रहा हो, और भले ही आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो, लेकिन स्टिल थैंक यू सो मच इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। कीप वॉचिंग मी, ओके बाय।